नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एच आर एस गेमर में। और आज का जो वीडियो है वो एक सुपर हीरो गेम के बारे में है। इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन 2। सो और ये गेम एक्टिवेशन कंपनी ने बनाया है। ये गेम काफ़ी पुराना है लेकिन इसमें ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है। इसमें स्टोरी मोड है, काफ़ी अच्छा स्टोरी मोड है इस गेम का। और ये गेम जो है, ये गेम आप इजीली अपने फ़ोन में खेल पाएंगे। सिर्फ 500 MB का इस गेम का साइज है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 500 MB गेम का साइज है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं गेम को। और इस गेम में आपको सेटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि ये गेम अपने आपके फ़ोन में चल जाए। आपको सबसे पहले तो PSP का इमोलेटर जो है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको फ्री में चाहिए PSP का इमोलेटर जो फ्री में मिलता है प्ले स्टोर में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PSPP गोल्ड जो प्ले स्टोर में पेड मिलता है, अगर वो आपको फ्री में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो मैं फिलहाल PSP का सेटिंग है ओपन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे PSP के इमोलेटर का सेटिंग है मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स, ऑडियो कंट्रोल्स, नेटवर्किंग टूल्स, सिस्टम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। सबसे पहले ग्राफिक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मोड में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्किप बफर रेंडरिंग में क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे फ्रेम स्किपिंग को ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऑटो फ्रेम को डिजेबल कर देना। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल नहीं किया है, मतलब सिलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, सो मैंने ऑफ रखा है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड में क्लिक करना है, मतलब ये जो ये ऑप्शन है ना डिजेबल, इसको आपको इनेबल कर देना है ताकि ये अनलिमिटेड दिखाए। आपको भी इसी तरह सिम्पली ऐसे ही करना होगा, ये वाला ऐसे ऑफ रखना है ताकि ये दोनों अनलिमिटेड दिखाए। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे इमर्सिव मोड को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन में क्लिक करना है। यहाँ पे नेटिव डिवाइस रेजोल्यूशन में क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ऑटो, मतलब सेम एज रेंडरिंग रेजोल्यूशन में क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऑटो एज रेंडरिंग रेजोल्यूशन में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इसको इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग में भी इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स कैची में इनेबल कर दिया है। उसके बाद लेजी टेक्सचर चेन टेक्सचर कैचिंग में इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने इनेबल कर दिया है। यहाँ पे डिजेबल स्लोअर इफेक्ट्स में भी क्लिक कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे इस गेम में जो कर्व क्वालिटी, मतलब जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसका आपको मीडियम में रखना है। और यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे टाइमर हैक को इनेबल कर देना है। बस आपका काम जो है वो कम्प्लीट हो गया है। अब आपका जो गेम है वो स्मूथली चलेगा, एकदम भी लैग नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे न्यू गेम में क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसका ग्राफिक्स क्वालिटी कैसा है। यहाँ पे इजी, नॉर्मल, हार्ड, यहाँ पे तीनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी एक मतलब लेवल चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इजी में आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे आपका नाम जो भी है, आपको यहाँ पे अपना नाम सिलेक्ट करना होता है। मैं फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद स्टोरी मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब आपको आप चाहे तो ट्रेनिंग मोड भी कर सकते हैं या फिर आप स्टोरी मोड भी डायरेक्टली मतलब खेल सकते हैं ना, खेल सकते हैं डायरेक्टली। स्टोरी मोड जो है इस गेम का वो भी खेल सकते हैं, या फिर अगर आपको कंट्रोल्स पता नहीं है तो आप बेसिक ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।